सो हेलो एंड वेलकम है स्वागत का फोरक्स वन बॉक्स में। तो शाओमी लेके आ गया अपना रेडमी नोट 13 सीरीज इंडिया में, तो लॉन्च कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 13 प्रो की, क्या स्मार्टफोन ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो में लाता रहता। तो शुरू करते हैं पहले फ़ोन के बैक पैनल से, जिसमें आप बैक में देखने मिलता है ग्लास बॉडी और फ्रेम प्लास्टिक फ्रेम में मटेरियल में देखने मिलता है। अगर डिज़ाइन लुक की बात करो तो इस बार रेडमी ने कैमरे डिज़ाइन में कुछ अलग किया है, तो एक अच्छी बात है। तो पल्स और बटन्स की बात करें तो टॉप में आपको 3.5 mm जैक स्पीकर, नॉइस कैंसलेशन माइक और रेडमी का स्पेशल IR ब्लास्टर देखने मिलता है। बॉटम में आपको स्पीकर, जो स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट, माइक, सिम ट्रे, जिसके अंदर आपको ड्यूअल सिम का सपोर्ट देखने मिलता है। इसमें कोई एक्सपेंडेबल कोई स्टोरेज ऐड नहीं कर सकते। राइट में आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने मिलता है। तो बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, जिसमें 6.67 इंच का एक एमोलेड पैनल वाला 1.2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने मिलता है, जिसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। अगर ब्राइटनेस पीक की बात करूँ तो 1800 निट का ब्राइटनेस पीक है, और रेडमी नोट 13 सीरीज के अंदर आपको ये फर्स्ट टाइम अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिल जाए, जो एक अच्छी बात है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो डिस्प्ले में फ़ोन बहुत सही है। तो बढ़ते फ़ोन के परफॉर्मेंस की तरफ, जिसमें आपको रेडमी नोट 13 प्रो में देखने मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 7S जेन 2 वाला प्रोसेसर देखने मिलता है, और ये प्रोसेसर 4nm टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया गया है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर आता है और कस्टम UI 14 पर देखने मिलता है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB, 12GB, 16GB आपको LPDDR4X रैम देखने मिलता है, 128GB, 256GB, 512GB UFS 2.2 स्टोरेज देखने मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो अच्छा होगा अगर आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 या हाइपर OS पर देखने मिलता है तो बेटर रहता। तो बात करते हैं नेक्स्ट हम कैमरा की, जिसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है। 200 MP का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 MP का माइक्रो सेंसर है, और वहीं पे फ्रंट में 16 MP सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। तो 200 MP कैमरे की बात करें तो आप 4x तक फोटो जूम कैप्चर कर सकते हो और फुल क्लियरिटी में। डे लाइट में आपको फोटो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, बट नाइट के अंदर थोड़ा क्लियरिटी में इशू रहेगा। और सेल्फी की बात करें तो डे नाइट में भी सेल्फी आप अच्छी क्लिक कर सकते हो, कलर टोन्स अच्छा मिलता है आपको, बट नाइट के अंदर डिटेल्स थोड़ी कम देखने मिलती है सेल्फी कैमरे के अंदर। तो कैमरे के अंदर ये जो पॉइंट है वो आपको नाराज़ करेगा कैमरा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें आपको OIS का सपोर्ट देखने मिलता है, 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और फ्रंट में 1080 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरे की बात करो तो बुरा नहीं है, नाइट में सिर्फ कैमरा इंप्रूवमेंट होता तो बेटर रहता। फाइनली बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की, जिसमें आपको 5100mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, और साथ में इनबॉक्स 67W का फास्ट चार्जर देखने मिल जाता है, जो एक अच्छी बात है। बैटरी पिकअप की बात करें तो आप पूरे दिन गेमिंग करते हो या नॉर्मल यूज मल्टीमीडिया कंटेंट वॉचिंग करते हो तो आप 1 से 1.5 दिन आपका बैटरी सही चलेगा, बैटरी पिकअप मिलता है। ओवरऑल फ़ोन की बात करो तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे उसके प्रोस और कॉन्स, इसमें से आपका कॉन्स के अंदर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप ये फ़ोन बाय नहीं कर सकते। आपके पास अगर कार्ड है तो एक ऑप्शन हो सकता है, बट आपके पास कार्ड नहीं है तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं हो सकता। तो कैसा लगा फ़ोन और वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।